हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी इंजीनियर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसकी वर्क क्या है, इस काम कैसे करता है, ये सब कुछ जानकारी हम वीडियो के लास्ट तक दे देंगे। इसके पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है, ये काम क्या करेगा। पोटेंशियोमीटर का यूज हम जैसे वॉल्यूम को कम या तेज करना, मोटर की स्पीड को कम या तेज करना, वोल्टेज को कंट्रोल करना। पोटेंशियोमीटर का काम होता है कि 0 से लेकर 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट तक कम या तेज वोल्टेज को कम या तेज किया जा सकता है। तो इस तरह का पोटेंशियोमीटर का यूज होता है, इसके बारे में हम आगे चल के समझते हैं। इसके बारे में हम वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, हम एक पोटेंशियोमीटर का फिगर डायग्राम द्वारा हम अच्छी तरह समझेंगे। इसमें 3 लेग रहते हैं, तो कुछ इस तरह हम 3 लेग बना लिए हैं। जो दूसरा सिरा होता है उसे पहले वाले सिरे से टच रहता है, जिससे पोटेंशियोमीटर को कम और ज़्यादा है। यहाँ पे हम प्लस और से जोड़ देते हैं, और दूसरा जो सिरा है किसी उपकरण से या बल्ब से, मोटर से जोड़ देंगे कुछ इस तरह के। यहाँ पर हम बल्ब लगा लेते हैं कुछ इस तरह के। तो ये देखिए, हमारा जो है जोड़ चुका है। तो जैसे एक स्विच की तरह जोड़ा जाता है, सेम उसी तरह काम करता है। बस इसमें वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जब हम दे देते हैं, तो जो पोटेंशियोमीटर है ये घुमाने पर जब पास में आता है तो बल्ब अधिक जलता है, जब यहाँ से दूर जाता है तो ये कम जलता है। दोस्तों, हमारा 2 लेग पूरा हो चुका है, लेकिन एक तीसरा वाला लेग बचा है। ये क्यों बचा है अभी बताते हैं। यहाँ पर जैसे तीसरे वाले लेग पर हम 1 किलो ओम का रेजिस्टर और 2 किलो ओम, 20 किलो ओम जितने लगा सकते, अधिक वोल्ट पे हमारा पोटेंशियोमीटर काम करेगा। चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिकल करके अपने पोटेंशियोमीटर को अब चेक करके देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे हम 10K का पोटेंशियोमीटर ले लिया है, इसमें 3 लेग लगे हुए हैं। दूसरा जो है हमारा कंपोनेंट है, दूसरा हमारा IRF 540N का MOSFET और तीसरा हमारा 1K का रेजिस्टर है। तो चलिए, हम इन तीनों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर के, कैसे कम और तेज किया जा सकता है। MOSFET में 3 लेग दिए गए हैं। पहले वाला जो लेग है उसे गेट, बीच वाला जो लेग है उसे ड्रेन, और थर्ड वाला जो लेग है उसे सोर्स कहते हैं। पहले जो लेग है उसे गेट वाले पे हम 1K का एक रजिस्टर को हम सोल्ड कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर में भी 3 लेग होते हैं। जो रजिस्टर हमें लगाना है, जो बीच वाला है पोटेंशियोमीटर का लेग, उसमें हम रजिस्टर को सोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब माइनस वाला तार जो है पोटेंशियोमीटर के पहले वाले पिन में सोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम रेड वाले वायर को हम पोटेंशियोमीटर के थर्ड वाले लेग में हम कनेक्ट कर देंगे। इसलिए कनेक्ट करेंगे कि जब हम वोल्टेज रेगुलेटर को घुमाएंगे तो प्लस वाला वोल्टेज जो है हमारा कम होगा, जिसके कारण हमारा बल्ब और मोटर कम होगा, और बल्ब कम होगा और मोटर जो है कम RPM में घूमेगा। इसके बाद IRF 540 MOSFET के सोर्स वाले लेग पर हम प्लस वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा प्लस वाला वायर आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगा प्लस का। इसके बाद जो हमारा माइनस वाला आउटपुट का माइनस वायर एक बचता है, इसको हम दिखाएंगे कहाँ पे जोड़ना है। तो दोस्तों, किसी सोर्स को चलाने के लिए माइनस वायर की आवश्यकता होगी, तो हम या बैटरी के माइनस से जोड़ सकते हैं, या यहीं पे पोटेंशियोमीटर के जो फर्स्ट वाला पिन है वहीं से कनेक्ट कर देंगे, तो जिससे हमारा जो है माइनस आउटपुट मिल जाएगा।
अब इनपुट वायर को हम उठा करके फीमेल पिन से हम कनेक्ट करने के, क्योंकि मेरे पास जो है 12 वोल्ट का एडाप्टर है तो उसमें फीमेल पिन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट इसे 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं कुछ इस प्रकार हम सोल्डर कर लेंगे फीमेल पिन से, जिसे हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड को यहाँ पे रख लेते हैं और अपने एडाप्टर को 12 वोल्ट की सप्लाई फीमेल पिन में कनेक्ट कर देंगे, जिससे रेगुलेटर में 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी। अब फीमेल पिन को 12 वोल्ट मेल पिन में अटैच कर देते हैं, जिससे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें अब आ चुकी है। अब इसको हम जो आउटपुट मिल रहा है मल्टीमीटर में चेक करके देखेंगे। जो रेड वाला है वायर है, इसे रेड प्रोब से, इसे प्रोब बोलते हैं, इसे प्रोब से अच्छी तरह से अटैच कर देंगे। जो पीला वाला वायर है उसे माइनस वाले प्रोब से अटैच कर देंगे। मल्टीमीटर में देखेंगे हमारा वोल्टेज कितना डाउन कैसे होता है घुमाने पे। यहाँ पे जो हमारा मल्टीमीटर में दिख रहा है इसमें लगभग 13 वोल्ट ये दिखा रहा है, 13.2 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसे हम जब रेगुलेटर को घुमाते हैं तो देखिए हमारा वोल्टेज एकदम कम कर दिए। अब वोल्टेज रेगुलेटर को हम बढ़ाएंगे तो देखिए धीरे 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 करके हमारा जो वोल्टेज बढ़ और घट रहा है। यहाँ पर देखिए 12.2 11.7 ऐसे करके घटाया और बढ़ाया जाता है रेगुलेटर के द्वारा। इसका कारण आप समझ लीजिए कि ये इससे फ़ायदा क्या है, इसे हमारे जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई हम दे रहे हैं तो हमारा रेगुलेटर ख़राब नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब अगर आप बिना मॉस्फेट लगाए ही इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे तो ये हमारा रेगुलेटर जो है वोल्टेज रेगुलेटर हीट होगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। रेगुलेटर में जब हम मॉस्फेट लगा देते हैं तो हमारा रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर जो है हमारा हीट नहीं होता, जिससे ख़राब होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। मॉस्फेट हमारा हीट होता है तो यहाँ पे मॉस्फेट के ऊपर हम हीट सिंक लगा देते हैं। तो जो हमारा एक एलईडी इसे हम अटैच कर दिए हैं, देखिए हमारा कुछ इस तरह जल रहा है। इसको वोल्टेज रेगुलेटर को घुमाने पर हमारा जो है बल्ब एलईडी जो है ज़्यादा कम होगा। अब यहाँ पे हम डीसी फैन लगा करके टेस्ट कर लेते हैं, प्लस वाले वायर को प्लस से और माइनस वाले वायर को माइनस से कनेक्ट कर देंगे। अब वोल्टेज रेगुलेटर को घुमाने पर जो है हमारा फैन चालू हो जाएगा, और जब रेगुलेटर को कम करेंगे तो हमारा फैन जो है स्लो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारा वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।